तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के सैमसंग के 6 ऐसे हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्या ये हिडन फीचर है, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो करें। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कमाल के 6 हिडन फीचर बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के। तो उसके लिए सबसे पहले जो फीचर बता रहा हूँ वो है गैलरी को लेके। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ गैलरी के अंदर। अगर आप दोस्तों कोई भी फोटो को एडिट करते हैं, जैसे कि लाइक मैंने मान लो इस फोटो को यहाँ पर एडिट करा, मैं आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आया और इसके मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स में कुछ अच्छा सा इफेक्ट्स डाल दिया। लाइक ये मान लो मुझे ये इफेक्ट्स बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूं कि ये इफेक्ट्स मेरी सारी फोटोज में आ जाए, मेरे को बार बार एडिट करना ना पड़े। तो मैंने यहां पर क्या किया, तो मैंने दोस्तों यहां क्या किया, यहां पर 3 डॉट्स पे गया और यहां पर कॉपी एडिट पे क्लिक कर लिया। कॉपी एडिट के बाद करना क्या है, अब बैक आ गया, मैं बैक आ गया, मुझे किस फोटोज पे वो इफेक्ट डालना है। लाइक मुझे मान लो ये 2 फोटो पे ये इफेक्ट डालना है, तो मैंने वो फोटो को सिलेक्ट करा और वहां पर यहां पर गया और यहां डाल दिया मैंने पेस्ट एडिट्स। तो आप देखेंगे उस फोटोज पे भी वही इफेक्ट आ गया है जो कि उस पे था। आप मल्टीपल कहीं भी सिलेक्ट करके सब पे ये डाल सकते हैं, और भी किसी में भी डालना है तो आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लो। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पे जाए सिंगल में और यहाँ पर पेस्ट एडिट पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे फोटो आपको अलग ही दिख रहा होगा और नीचे लिखा भी आ जाएगा एडिट अप्लाई। तो इस तरीके से आप कोई भी एडिट करी हुई चीज दूसरे फोटो पे भी ला सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों सेकंड फीचर का, वो है बहुत ही कमाल का। दोस्तों अब क्या होता है, अगर आपको किसी ऐप्स को कहीं भी मूव ऑन करना है तो अब इजीली आप यहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, जिस ऐप्स को मूव ऑन करना है उन ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना। लाइक मुझे यहाँ से इनको हटाना है, उसको मैंने यहाँ से लाइक मुझे इन ऐप्स को हटाना है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ मुझे लेके जाना है मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जहां मुझे वो लेके जाना है तो बस वहां पर मेरे को ये थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, सारी एप्स वहीं की वहीं आ जाएंगी ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं सारी एप्स वहां ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप इजीली यहां पर मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। उसके बाद बात करें दोस्तों थर्ड फीचर की, वो बहुत ही शानदार है। मान लो अगर आप कोई ब्राउजिंग करते हैं, ये मान लो हमने किसी को यहां पर किसी चीज के बारे में सर्च करा, मान लो मैंने यहाँ पर किसी चीज के बारे में सर्च करा और मुझे ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो पेज का लिंक है किसी को शेयर करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। आपको कहाँ शेयर करना है, लाइक मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे आ गया। व्हाट्सएप पे आने के बाद जिस बंदे को शेयर करना है आपको उस बंदे को सर्च कर लेना है, जिस बंदे को आपको शेयर करना है उस बंदे के पास जाने के बाद आपको उसको ओपन करना है। तो वहां जाके आप जैसे ही शेयर करेंगे तो वो आपका लिंक वैसा का वैसा वहां पर शेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इजीली यहां पर किसी भी लिंक को आप बिना कुछ कॉपी करें डायरेक्टली आप यहां पर शेयर आउट कर पाएंगे व्हाट्सएप पे। आप देख सकते हैं तो ये भी कमाल का फीचर है। उसके बाद बात करें दोस्तों थर्ड जो हिडन फीचर की, वो भी बहुत शानदार है। दोस्तों अगर हमें मान लो इसमें से कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो कि हमें चाहिए यहां पर लिखना है या हमें टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको बहुत मुश्किल से यहाँ पर इजीली कभी कभार तो हो जाता है और कभी कभार नहीं होता। अगर आपको ऐसा चाहिए तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ से यूँ ड्रैग करना है, आपको यहाँ से ड्रैग करके आपका ये वाला पैनल निकालना है, यहाँ जाना है रेक्टेंगल में किसी भी फॉर्म में और जिस चीज़ को आपको टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए उसको वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको आ जाएगा टेक्स्ट का ऑप्शन और सारे टेक्स्ट को आप क्लिक करके और कहीं भी पेस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत ही शानदार है। दोस्तों उसके बाद करें फोर्थ हिडन फीचर की, वो भी बहुत शानदार है। मान लो मैंने मान लो ये कुछ इमेजेस हैं और मुझे इसमें से किसी इमेज को निकाल के कहीं शेयर आउट करना है, तो आप बहुत सिंपली आप कर सकते हैं। आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पहले तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको पॉपअप कर लो, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी शेयर आउट करना चाहे तो डायरेक्टली आप इसको शेयर डायरेक्टली इसको भी यहाँ से शेयर आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप यहाँ से इमेज उठा के भी शेयर कर सकते हैं। तो ये था फोर्थ हिडन फीचर। दोस्तों उसके बात करें फिफ्थ हिडन फीचर की, वो भी बहुत ही यूजफुल है। वो ऐसा हिडन फीचर है, मान लो
तो फिफ्थ हिडन फीचर तो बताने वाला हूँ दोस्तों, वो ये है, मान लो अभी जो नेविगेशन यूज करते हैं ना, आप देख रहे हैं जो नेविगेशन में यूज कर रहा हूँ, जैसे मान लो गैजेट यूज करता हूँ बैग के लिए, किसी किसी के गैजेट्स यूज नहीं होते और वो बहुत क्विकली उसका यूज नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको एक सेटिंग बताता हूँ जिससे आप इसको क्विकली कर सकते हैं। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की गुडलक वाली ऐप में चले जाना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको वहां पर एक मॉड्यूल मिलेगा नैव स्टार करके, नैव स्टार का मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको ये क्या करना है, इस सेंसर को इंक्रीज कर लेना है। ये सेंसर इंक्रीज होते हैं आप देखेंगे पॉइंट बढ़ जाएंगे और उतनी ही क्विकली आप वहां पर इसका यूज कर पाएंगे। तो आप यहां से इसके सेंसर को बढ़ा के भी बहुत इजीली अपने गैजेट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये था फिफ्थ हिडन फीचर। और उसके बाद दोस्तों जो सिक्स हिडन फीचर बता रहे हो वो भी बहुत कमाल का है। मान लो आपने अगर अपने फाइल मैनेजर पे आए और आपने कोई डॉक्यूमेंट्स या कहीं की भी कुछ फोटोज को, या डॉक्यूमेंट्स ही मान लो, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स है मैंने यहाँ पर ढूंढ लिए डाउनलोड में पड़े और मुझे इसको कहीं दूसरी जगह ले जाना है और मूव ऑन करना है, या फिर मुझे इसको पढ़ना है, तो आप मान लो इसको मूव ऑन करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद वापस आप इसमें वही चीज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी जहाँ पर डालना है, जिस फोल्डर में डालना है उस फोल्डर में जाके इसको छोड़ देंगे तो वो वहाँ पर मर्ज हो जाएगा और वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये फीचर भी बहुत ही कमाल का दिया हुआ है दोस्तों। यही कुछ छह हिडन फीचर बताए जो कि मैंने आपको लगा यूज़फुल है डेली लाइफ के लिए, बहुत ही यूज़फुल ये वाले हिडन फीचर है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।